और इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि हाथरस कांड में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान हैं। पीड़िता का गला दबाने की कोशिश हुई, हालांकि गला दबाने से मौत नहीं हुई और मौत की सही वजह विस्तृत रिपोर्ट से ही तय हो पाएगी। तो अभी तक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के निशान है, कोशिश की गई गला दबाने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है जिसमें खबर आ रही है कि पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान है, गला दबाने की कोशिश की गई, गला दबाने से मौत नहीं हुई, लेकिन मौत की सही और असली वजह क्या है विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है, उसी से तय हो पाएगा। और इस बीच दूसरी तरफ सियासत लगातार जारी। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, बड़ी खबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर तो है ही, और आपको बताऊं जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है पीड़िता की, ये साफ इशारा कर रही है कि कितना पीड़िता ने संघर्ष किया है जो आरोपियों के साथ। लिगेचर मार्क भी है, यानी गला दबाने की कोशिश की गई है। 7.5 mm का जो लिगेचर मार्क है नवजोत, वो गले पर है, गले की हड्डियां टूटी हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि जो आरोपी है उन्होंने गला दबाने की कोशिश की गई। हालांकि जो सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम हुई है, उनका कहना है कि विस्तृत रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कॉज ऑफ डेथ का पता चलेगा, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ अभी क्लियर नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ है कि काफी दरिंदगी की गई है। आज गला दबाया गया है, लिगेचर मार्क है, गले की हड्डियां स्पाइनल वगैरह वो टूटे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मारपीट हुई है और आज काफी संघर्ष किया है पीड़िता ने। विस्तृत रिपोर्ट प्रिजर्व किया गया है, नाखून बाल ये तमाम चीजें फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए भेजे गए हैं। जी बिल्कुल, और विस्तृत की रिपोर्ट कब तक आ सकती है अरविंद? जी देखिए 10 दिन कम से कम लगते हैं बिसरा की रिपोर्ट आने में। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो लड़की के शरीर से कई फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए जो नमूने हैं वो भी लिए हैं डॉक्टरों ने, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, चाहे नाखून की बाल हो, जो बालों के नमूने हैं वो तमाम चीजें ली गई हैं। साथ ही साथ कुछ फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए आगरा के फॉरेंसिक लैब में उत्तर प्रदेश के पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा है कि वहां पर भेजा गया है, जिसकी डिटेल रिपोर्ट दोपहर बाद आ सकती है, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट आएगी, उसका भी खुलासा हम करेंगे। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये बताती है कि किस तरीके से लड़की का गला घोटने की कोशिश की गई थी, गर्दन पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार भी किया गया था, जिस वजह से जो हड्डियां हैं वो टूटी हुई हैं। साथ ही साथ जो गला दबाया गया था, यानी लिगेचर मार्क जो है वो साफ साफ गले पर दिखा है, निशान दिखे हैं। हालांकि कॉज ऑफ डेथ इसकी वजह नहीं बताई गई है, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ बताती है कि किस तरीके से लड़की के साथ मारपीट की गई है, कितना संघर्ष लड़की ने किया है हैवानियत। बिल्कुल, एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार। तीन बड़ी बातें, लिगेचर मार्क, पीड़िता ने संघर्ष किया, हड्डियां टूटी हुई थी, सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने। और इस बीच ये भी आपको बताएंगे, हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने परिवार से मुलाकात की, एसआईटी की जांच पर पीड़िता के घर से चित्रा त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हाथरस के इस गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें एसआईटी की टीम बिल्कुल ठीक मेरे बगल में, मैं चाहूंगी सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, पूछताछ कर रही है घर वालों से, क्योंकि 7 दिनों के भीतर उन्हें अपनी ये रिपोर्ट सौंपनी है। और यकीनन आज का दिन उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज सुबह से ही ये टीम यहाँ पर बैठी हुई है। पुलिस वालों का भारी जमावड़ा, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा गाँव इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है और पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस वालों की मौजूदगी है। लेकिन हम मेड़ के रास्ते होते हुए उस घर के ठीक बगल वाले हिस्से में आ चुके हैं, जहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एसआईटी की 3 सदस्य टीम, जिसमें एक महिला दलित अधिकारी भी शामिल हैं, और ये 3 अधिकारी मिलकर लगातार पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। चूँकि पूरे देश में इस घटना ने एक तरीके से सबको झकझोर कर रख दिया, और यही कारण है कि दबाव के बाद यूपी सरकार की ओर से फैसला लिया गया ताकि पूरे मामले को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करके न्याय दिलाया जाए इस वाल्मीकि समाज से आने वाले इस परिवार को। अपने आप में बेहद गरीब और पिछड़ा ये परिवार, जो 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन 14 सितंबर को जो कुछ भी हुआ इनके परिवार के साथ वो बेहद भयावह, और उससे भी ज़्यादा बर्बरता देखने को मिली जब पुलिस वालों ने पीड़िता के शव को जला दिया। इसी वजह से देश में गुस्सा है और उस गुस्से को सरकार समझ रही है। यही कारण है कि एसआईटी की टीम लगातार ताबड़तोड़ पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, हाथरस गांव आज तक। तो परिवार के साथ एसआईटी की टीम जहां से चित्रा त्रिपाठी खबर दे रही थी, और बाहर सड़कों पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। बड़ी खबर पर रहेगी नजर, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।